जा रही एक बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, आपको बता दें बड़ी जानकारी, आ रही है एसकेएम के ऐलान के बाद आंदोलनकारियों की घर वापसी। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान के बाद अब घर वापसी के लिए तैयार किसान। जश्न मनाते हुए किसानों की तस्वीरें भी यहां पर सामने आई है। जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत जो है इनका किया जाएगा। सिंगू बॉर्डर से वापस लौटने लगे आंदोलनकारी और तस्वीरें भी देखिए जश्न की, एक दूसरे को मिठाई खिलाते ही किसान। टीकरी बॉर्डर से भी वापस लौट रहे हैं आंदोलनकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गाजीपुर बॉर्डर से भी आंदोलनकारियों का लौटना शुरू हो चुका है इस वक्त की बड़ी खबर। आंदोलन के एक साल बाद वापस लौटे आंदोलनकारी, तीनों कृषि कानून वापसी के ऐलान और पूरी प्रक्रिया होने के बाद, और साथ ही साथ ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिंगू और टीकरी बॉर्डर की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो पूरा सामान है वो इन किसानों ने अपने ट्रैक्टरों और ट्रकों में भरना शुरू कर दिया है और घर वापसी की ओर यहां पर बढ़ चले हैं। और तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद ये और तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिंगू टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर। ये वो तमाम दिल्ली से सटे बॉर्डर है जहां पर पिछले एक से ज्यादा साल से जो जुटे थे किसान और अपनी मांगों को लेकर, और काफी लंबा यह आंदोलन चला जो कि अब फिलहाल रद्द आपको बता दें स्थगित यहां पर किया गया है इस आश्वासन के साथ जो सरकार द्वारा दिए गए हैं कि उनके बाकी मांगों पर भी जो विचार है वो किया जाएगा और उसको एक ठोस आश्वासन मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात का ऐलान किया। आज से जाना शुरू होगा तो आखिर तो हो ही जाएगी, हम 15 में जाएंगे ये हमने बता दिया कि क्योंकि हम 3 दिन अब बाहर के प्रोग्राम है वे करेंगे और जब तक वो बहुत मोर्चों से लोग जा चुके होंगे। हमारा यही कि लोग मोर्चों से अपने घर तक पहुंच जाएं। नहीं है लोग आज बहुत बड़ी संख्या में सिंगू टिगरी ढाशा साझापुर जाने शुरू हो गया आज से लोग, आज से बहुत टोलू से लोगों को घर वापसी भेज रहे। मुझे पता लगा सहारनपुर से जो टोल हैं मुरादाबाद उनसे सबको कर रहे हैं कि आप समापन उनका करो, तो सब जगह समापन होगा तो 4-5 दिन इस चीजों में लगेंगे। सबसे पहले हम परिवारों को मिलेंगे जो एक साल हो गया वकबा हो गया बच्चों से, उनसे साथ खुशी शांति करेंगे। जो लोग हमारा साथ देते रहे उनके साथ भी खुशी शांति करेंगे। ये सबसे सबको खुशी है पंजाब में। जब कोई भी संघर्ष चलता है उसमें कोई नुकसान भी होता है फायदा भी होता है, जब फायदा लेना है तो नुकसान तो होगा ही, इसलिए हमको वो जो आर्थिक नुकसान है वो तो गया भूल क्योंकि तो हम जहाँ जीत कर चले हैं। लेकिन फिर भी जो शहीद हो गए जहाँ 750 किसान वो हमको सदा याद रहेंगे, जब भी आंदोलन की याद आएगी उनको याद किया जाएगा। सच्चे पातशाह ने बहुत कृपा की है जी, गुरु पातशाह ने सारे पंजाब नू खुशी है जी इस चीज़ की, हरियाणा नू खुशी है, यूपी नू खुशी है, सारा इंडिया ही खुश है जी, अब खुशी दे जी एक साल हो गया जी इस चीज नू डीकदे सीगे भी ए पल आऊगा वो आज आ गया। संवाददाता हैदर अली हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हैदर, क्योंकि बहुत बड़ा दिन किसानों के लिए और जीत और जश्न के साथ की तस्वीरें भी सामने आने लगी है, फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीर वहां पर अब देख रहे हैं, घरों को भी किसान जो है वो लौट रहे हैं, एक खुशी भी है मन में और उम्मीद भी है आगे के लिए। देखिए अंजलि, जिस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग करने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जश्न तो उसी दिन से ही जितने भी आंदोलनकारी किसान है वो मना रहे थे। गाजीपुर यूपी गेट पर आज जो है सुबह से ही जो लोग हैं उन्होंने अपने सारे सामान समेट लिए हैं, कल भी उन्होंने अपने सामान पैक कर लिए थे। बस आज जो है 11 बजे प्रोग्राम रखा गया है जिसमें धरना स्थल पर जो आंदोलन स्थल है वहां पर राकेश टिकैत के द्वारा धन्यवाद कार्यक्रम समारोह रखा गया है जिसमें वो सारे किसानों को संबोधित करेंगे, संबोधित करने के बाद उनका धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करने के बाद उसके बाद किसान जो है अपने घर वापस लौटना शुरू हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ खासकर किसान जो 750 भी इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उनको लेकर भी खासकर भी कुछ लोग दुख है, परेशान है कि जब वो उनके परिवार से जाकर मिलेंगे तो किस तरीके से फेस करेंगे, क्योंकि ये लोग तो अपने घर लौट जाएंगे लेकिन जो 750 किसान अपने घर नहीं लौट पाएंगे तो उसके परिवार से निगाह कैसे मिलाएंगे। जब इस बारे में राकेश टिकैत से पूछा गया तो राकेश टिकैत का साफ तौर पर यही कहना था कि वो आज फिलहाल नहीं जाने वाले हैं, वो जब तक सभी बोर्डरों से लोग जो उनके कहने पर ही यहाँ पर आए थे आंदोलन में जब तक वो वापस नहीं जाएंगे, जब तक वो भी 15 तारीख के बाद ही यहाँ से वापस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्थगित ये आंदोलन जरूर यहाँ पर हुआ है लेकिन आगे जो है बैठके होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।